नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है सिवराई से। कोई भी व्यक्ति अगर कोविड महामारी को भ्रामक दुष्प्रचार करता है तो उसके खिलाफ होगी महामारी एक्ट के तहत दंडनात्मक कार्यवाही। उक्त बातें निगरानी समिति की बैठक ले रहे हैं SDM ने उसिया में कही। सिवराई SDM रमेश मौर्य ने तहसीलदार आलोक कुमार, खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार वर्मा एवं लेखपाल व सचिव के साथ संयुक्त रूप से उसिया के गर्ल्स कॉलेज में पूर्व नियोजित निगरानी समिति की बैठक की। इस दौरान गांव के 14 ग्राम पंचायत सदस्य, 18 आंगनबाड़ी सहायिका और आशा बहुएं उपस्थित रहीं। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गांव में सर्दी, खांसी, बुखार आदि लक्षण वाले सामान्य मरीज को घर पर ही शासन द्वारा भेजी गई दवा किट उपलब्ध कराएं। इसके साथ घर घर जाकर लोगों को टेस्टिंग और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए जागरूक करें। इस दौरान कुछ आशा बहुएं गाँव के लोगों द्वारा भ्रामक दुष्प्रचार करने की शिकायत की, जिस पर SDM ने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर हमें शिकायत करें, उनके विरुद्ध महामारी एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम प्रधान शम्स तबरेज खान उर्फ पिंटू ने बड़ी आबादी होने के बावजूद महज 2 सफाई कर्मियों की तैनाती की शिकायत की, जिस पर SDM ने DPRO को पत्रचार कर जल्द से जल्द पर्याप्त सफाई कर्मियों के तैनाती का आश्वासन दिया। BDO भदौरा अरुण कुमार वर्मा ने आवश्यक जानकारियां देते हुए निगरानी समिति को युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ इस जंग में लगने के लिए जोश भरा। इस मौके पर सफी आलम, राजू खान, सरफराज खान, सचिव अजय प्रकाश, लेखपाल प्रभाकर पांडे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नसीमा खातून, अख्तरी खातून, अंजुम फिरदौस, मीरा देवी आदि लोग मौजूद रहे। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।